ना। तो भाई आज का जो वीडियो है, कुछ लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, बहुत सारा एक्सपोज हुआ और ये सब हुआ, तो उसमें कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनेगा ही नहीं, तो उनके लिए है कि हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का बना है वह समझिएगा। एक चीज़ मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ पता चला कि इंडिया में जो है डेरिवेटिव और इक्विटी का जो रेशियो है ट्रेड होने का, डेरिवेटिव टू कैश रेशियो इसको बोलते हैं, जो 400 गुना है। मतलब ये सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इसके बाद जो है नेक्स्ट हाईएस्ट जर्मनी है, जहाँ 27 से 30 गुना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। यूरोप है, यूरोप अच्छा काम कर रहा है। कैसे अच्छा काम कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्यों इस तरह का माहौल नहीं बना हुआ है कि ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। इंडिया में 400 गुना, मतलब कि अगर कोई एक ट्रेड इक्विटी में हो रहा है तो उससे 400 गुना ज़्यादा ट्रेड ऑप्शन में या फ्यूचर में हो रहा है। डेरिवेटिव का यही दो है, फ्यूचर और ऑप्शन। तो यहाँ पे इंडिया में इस तरह का एक क्रिएट किया गया, शुरू से इस तरह का क्रिएट किया गया माहौल कि जिससे लोग आते के साथ, मतलब एक दिखाया जा रहा है आपको कि बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, बहुत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखा दिया जाता है, फेक हो या जो भी हो, एक स्क्रीनशॉट, और हम लोग को लगता है कि इसी में मज़ा है और इसमें बड़े बड़े प्लेयर मज़ा ले रहे हैं। इसमें ये नहीं है, कुछ लोग जो सिखा रहे थे उनको भी अब दबाया जा रहा है। समझिएगा क्यों कैसे, क्लियर करना ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से अर्निंग नहीं होता, ऑप्शन से कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता। देखो भाई, प्रॉफिटेबल कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। बस पेशेंस के साथ थोड़ा समय दीजिए और इस पे काम कीजिए, प्लस अपना जो कंट्रोल पावर है खुद पे, कि ग्रीड को कैसे, सबसे बड़ा जो ग्रीड और फियर है, साइकोलॉजी जो बोलो आप, सेक्टर साइकोलॉजी का सेक्टर पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा और उसी जगह पे सबसे ज़्यादा मार किया जा रहा है। हम लोग को मतलब इस तरह का वीडियो ही दिखाया जाता है, इस तरह का वीडियो ही मतलब एक इन्वायरमेंट बनाया गया। वो इन्वायरमेंट कोई हम लोग नहीं बनाया, वो इन्वायरमेंट आप जैसे ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फिर यूट्यूब हो गया, तो ये सब चीज़ पे उसी तरह का बना बना के दिखाया जा रहा है कि बड़ा प्लेयर जो है वो ऑप्शन सेल करे और आप ऑप्शन बाइंग में ही, मतलब कम कैपिटल में भी बड़ा बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। सब सारा प्लेटफॉर्म यही कर रहा है। अब इसके बीच कुछ लोग अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी अब मतलब चुप करा दिया जा रहा है, किसी भी तरह से उन पे इल्ज़ाम लगा करके या जो भी करके उनको चुप करा दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझो। देखो भाई, 400 गुना ज़्यादा क्यों सब लोग आते के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अगर यहाँ पे युवा का संख्या सबसे ज़्यादा 18 साल से ऊपर का और 40 साल से कम का सबसे ज़्यादा वोटर है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। देखो, जनसंख्या भी बढ़िया है, बेरोजगारी तो ऑब्वियसली है कि रहेगा ही रहेगा ज़्यादा। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कम पैसा से भी आप घर बैठे इतना कमा सकते हो, जो कि फिजिबल नहीं है, स्टार्टिंग पीरियड में नहीं है। आपको अगर कहा जाता है कि 2 से 3 साल मेहनत कीजिए, तो आपको लगेगा कि डीमोटिवेट कर रहा है। वहीं पे आपको कोई आकर के ये बोल देता है कि नहीं, 6 महीना में बन जाओगे, मेरा कोर्स खरीद लो, ये कर लो। तो इस तरह का कोर्स आज से नहीं, कब से बेचा जा रहा है। कुछ लोग इसको समझ लिए हैं और वो इसको आराम से यूज कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जागरूक हो गए थे कि टेक्निकल कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि कुछ लोग पढ़ा रहे थे, उसको समझा रहे थे, कुछ फ्री में भी पढ़ा रहे थे, कुछ कोर्स के थ्रू भी पढ़ा रहे थे। तो अब इसमें बड़ा प्लेयर का ऑप्शन सेलिंग में लॉस होने लग रहा था, तो अब उनको लगा कि अब ये सब को एलिमिनेट करो, जो समझाने में लगा हुआ है, जो बताने में लगा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी लोग प्रॉफिटेबल हो सकता है, हो रहा है, कर रहा है प्रॉफिट, बहुत लोग कर रहा है भाई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। डीमोटिवेट मत होइए, मेहनत कीजिए दिल से, आप भी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। लेकिन जब आपका सेटअप मिले तो आप इसी चीज़ को भूल जा रहे हो और इसी पे दिक्कत हो रहा है कि मल्टीपल सेटअप पे काम करना एक ट्रेडर को। अरे, आप सामने वाला का 10 लोगों का 10 तरह का वीडियो देखते हो और कोई इस पे ट्रेड कर रहा है, कोई उस पे ट्रेड कर रहा है, अलग अलग सेटअप पे, आपको लगता है कि जब उसका इस तरह से बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं। आप जो मेन चीज़ है, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग पहले से कुछ नहीं है, आप सीधा चाहते हो कि मार्केट से ही कमाओ, तो संभव नहीं है उस तरह से। और जो लोग सही बता रहे उसको नॉलेज को बंद करवा दिया जा रहा है कि आप फंसे रहो। लालच आपके अंदर से, हमारे अंदर से इतना जल्दी जाता नहीं, तो लालच के चक्कर में ही गलत जो काम होता है वो सब हम लोग उठाते हैं। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख से आप 10-10 हज़ार क्वान्टिटी बाइंग और सेलिंग कर रहे हो। फ्यूचर में आप
छू भी नहीं रहे हो, जबकि फ्यूचर करना चाहिए अगर इक्विटी के बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाना है तो फ्यूचर, जबकि एक 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 जो चीज़ है ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, जहाँ पे रियल चीज़ है कि उतना ही बनता है पैसा, 1% 2% जो भी आप सेल हुआ वो आपका बन रहा है तो वही है रियलिटी जो है वही पैसा बनता है। नहीं तो भाई बड़ा बड़ा प्लेयर जितना इतना रिलायंस और ये सब कंपनी है सब इसी में आ जाता ना भाई, या सब अपना ब्रोकिंग फर्म खोल करके सब इसी पे काम करता, ट्रेडिंग में ही क्यों नहीं कर रहा है? इतना बड़ा बड़ा यूएस में भी मार्केट है, सब जगह क्यों नहीं करता? रीज़न है भाई, यहाँ पे वही लिमिटेड 2% 3% इस तरह से बनता है, 4% इस तरह से ही बनता है और वो अच्छा रिटर्न माना जाता है। जबकि हम लोग को यहाँ पे पढ़ाया भी इसी तरह से जाता है। एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि हम लोग को बताया जाता है कि इन ऑप्शन बाइंग योर रिस्क इज लिमिटेड, बट इन ऑप्शन सेलिंग योर रिस्क इज अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड भाई? उसके जगह पे आप हेज कर लो ना, उसको ऑप्शन कोई बाई करके रख लो ना, अनलिमिटेड कैसे होगा? वो उसको मैनेज करेगा वहाँ पे, तो वो चीज़ तो बता, मतलब इस तरह का नैरेटिव ही चला दिया गया है कि हम लोग को लगे कि नहीं कम पैसा में बन सकता है, ऑप्शन सेलिंग मत करो। जबकि ऑप्शन सेलिंग सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप जाकर के ऑप्शन सेलिंग कीजिए। एक तो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, दूसरा उसके लिए नॉलेज और एजुकेशन भी, आपको पूरा जो भी डेरिवेटिव का जो टर्म है थीटा गामा ये सब पढ़ना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, उसके बाद प्लान करके हेज करके चलना पड़ेगा। आपका जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है उसको कम रखना होगा, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है आराम से, और लोग कर रहे हैं। बस यही है कि जैसे घनश्याम टेक कौन कौन कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं भाई, और उनको चुप करवा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको देखिए आपसे पैसा तो अगला नहीं ले रहा है, रेफरल का रेफरल से पैसा कमाते तो कमाने दो ना भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है? कोई भी अर्निंग करना चाहता है, कोई भी यहाँ पे वीडियो बना रहा है तो चाहेगा कि उसको भी 2 रुपया का फ़ायदा हो। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट है, अलग अलग मतलब सोर्स से पैसा आ रहा है तो उसका है, उसको छोड़ दो, तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? अब बताओ, इतना दिन से सामने वाला कोई नहीं बता रहा है कि इस तरह का मार्केट चल रहा है, क्या चल रहा है। अब देखो ऑप्शन का डेटा अभी देख करके पता चल जाता है कि बहुत सारा रिटेल ट्रेडर हट गया है ऑप्शन ट्रेडिंग से, बहुत सारा रिटेल ट्रेडर हट गया, कॉन्फिडेंस आपका एकदम दरासाई हो गया है, आपको ये लगने लग रहा है कि शायद मैं कभी प्रॉफिटेबल बन ही ना पाऊँ। तो इस चीज़ को रखना है दिमाग में कि हकीकत ये है कि धीरे धीरे समय के साथ आप ये जिस दिन सोच लोगे कि बहुत जल्दी यहाँ से राजा बनना है तो संभव नहीं है भैया। देखो तबीयत खराब था लेकिन ये आर्टिकल में पढ़ा था तब से लग रहा था कि ये चीज़ सबको बताना जरूरी है। जो भी 10, 50, 100 लोग जो भी देखें समझे उस शेयर कीजिएगा कुछ लोगों तक कि उनको भी समझ में आए कि रियलिटी क्या है, और धीरे धीरे काम करते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। जिस दिन समझ में आ जाएगा फोड़ दीजिएगा मार्केट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको, फोड़ दीजिएगा, पैसा बनता है भाई। कोशिश कीजिए अभी इक्विटी में ट्रेड करने का, इक्विटी के बाद फ्यूचर, फ्यूचर नहीं समझ में आता है बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है हेज करके कीजिए उसको। एक ट्रिक भी इस पर बताया हुआ है कि किस तरह से फ्यूचर को आप 40-50 हज़ार रुपये में भी बाई कर सकते हैं। उसके बाद नहीं उतना भी पैसा नहीं है तो आप मिनी में काम करो ना, फ्यूचर मिनी मतलब निफ्टी बीज बैंक बीज में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वहाँ से भी बनेगा। यही है ना ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा, तो शुरू में सीखना है तो ब्रोकरेज दे दो ना भाई, क्या जा रहा है तुम्हारा, सीखना ही है ना, लॉस तो नहीं होगा ना। मंथली बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटजी टेस्ट किया था, उसको मैं उसी निफ्टी बीज पे काम किया था, बैंक बीज पे काम किया था, तो हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो भी डाला हुआ है 1 साल का पूरा, तो करके देखिए हो जाएगा। और फालतू का फंसिए मत, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, अपना देखिए। और यही जो 400 वाला जो है, 400 गुना जो ज़्यादा है डेरिवेटिव टू इक्विटी का जो ट्रेडिंग रेशियो है इंडिया में, उसको कम कीजिए किसी भी तरह से। बड़ा लोग नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिटेबल हों, फिर उसको पैसा बनेगा नहीं। चलिए अगर अच्छा लगता है, बहुत मैं एफर्ट करके डाल रहा था कि देखिए तबीयत ख़राब है, आपको पता भी चल रहा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। हरे कृष्णा।